हेलो दोस्तों, रंजन्स किचन में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बनाएंगे पनीर नूडल्स। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए हम देख लेते हैं एक बार। नूडल्स हैं हमारे पास, ये आधा पैकेट से भी थोड़ा सा कम होगा। ऑयल है, सोया सॉस, ये वाइट विनेगर है हमारे पास, पनीर, थोड़ा सा पनीर है ये, शिमला मिर्च, एक एक शिमला मिर्च थी उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया किया है। एक टमाटर है बड़े साइज का, थोड़ी सी पत्ता गोभी, और एक बड़े साइज का प्याज है जिसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। तो सारी चीजों को हमने स्लाइसेस में काटा है लंबा लंबा। पनीर को भी ये देखिए लंबा लंबा काटा है मैंने, और ऐसे ही शिमला मिर्च को काटा है, टमाटोज, पत्ता गोभी और प्याज, सबको स्लाइसेस में काटा है। तो पानी बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया था नूडल्स उबालने के लिए। तो नूडल्स पानी में डालते हैं और उसको बॉईल करते हैं। आइए देखते हैं। पानी हमारा देखिए बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें नूडल्स डाल देंगे। ये पूरे नहीं आएंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये जब नीचे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो ये अपने आप ही अंदर चले जाएंगे। और इसमें हमको थोड़ा सा ऑयल डालना है दोस्तों, जिससे आप इसमें चिपके नहीं। तो एक चम्मच ऑयल डालना है हमें इसमें बस, और थोड़ा सा नमक डालना है इसमें, जिससे नूडल्स हमारी थोड़ी सी फीकी ना लगे। तो इसमें आधा चम्मच हमें नमक डालना है और बस इसको बॉईल होने के लिए रख देना है। तब तक हम अपनी सब्जियां फ्राई कर लेते हैं जिसमें हमको इस नूडल्स को डालना है। तो आइए हम अपनी सब्जियां फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है दोस्तों, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही डालेंगे, लगभग 2 चम्मच तेल है ये। इसको बॉईल होने, इसको गर्म होने देंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे और बाकी सब्जियों को डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें प्याज डालेंगे। गैस की फ्लेम तेज ही रखनी है इसमें, क्योंकि ये सब्जियों को हमें क्रंची ही रखना है। जितनी तेज आज पर हम सब्जियों को सौते करेंगे उतनी ही सब्जियां क्रंची रहेंगी। प्याज को हम ऐसे खोल देंगे। इनको चलाते रहेंगे लगातार। ये देखिए सारी प्याज हमारी खुल गई है। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए इसके बाद हम और सब्जियां इसमें मिलाएंगे। प्याज देखिए हमारी थोड़ी सी पिंक हो गई है, अब इसमें हम डालेंगे पत्ता गोभी अपनी। गैस हमको धीमी नहीं करनी है, गैस हमें तेज ही रखनी है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने टमाटर और शिमला मिर्च। पनीर को सबसे लास्ट में डालना है। नमक हमको इसमें नहीं डालना है, अगर नमक हम डालेंगे तो ये सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी, क्रंची नहीं रहेंगी। तो इनको ऐसे ही हमें सौते करना है थोड़ी देर के लिए। इधर हम अपने नूडल्स भी देख लेते हैं, इधर हम अपने नूडल्स भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इनको एक बार। नूडल्स हम चेक कर लेते हैं एक बार, धीरे धीरे ये हो रही है धीरे धीरे, और 2 मिनट में और हो जाएंगे। नूडल्स हम अपने देख लेते हैं दोस्तों, नूडल्स को हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। देख लीजिए इसको काट के, एक बार अगर कट जाता है ये अच्छे से तो हम इसको बस बंद कर देंगे। ये देखिए अच्छे से कट रहा है,
तो बस इसको गैस को हम ऑफ कर देंगे और इन नूडल्स को हम छान लेंगे। सब्जियां दोस्तों हमारी हो गई हैं, देख लीजिए। अब इसमें नमक डालना है हमें आधा चम्मच। नमक डालेंगे हम इसमें, नमक हमने नूडल्स में भी डाला है तो इससे कम ही डालना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। एक चम्मच सोया सॉस है वो डालना है इसमें, एक चम्मच वाइट विनेगर, और अब इस टाइम पे इसमें पनीर डालना है। अच्छे से मिक्स कर देना है इनको। नूडल्स हमने अपनी छान लिए हैं तो वो नूडल्स अब इसमें डाल देते हैं। पानी देखिए दोस्तों हमारा सारा सूख चुका है ये। अब इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च डालेंगे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आप लोग खाते हैं तीखा या थोड़ा सा कम तीखा। आधा चम्मच मिर्च पाउडर डाला है मैंने इसमें, और इसको मिला दीजिए अच्छे से। और इसके बाद हम इसमें अपनी नूडल्स को डाल देंगे। और इसको अच्छे से हमें मिलाना है, तो इसको मिलाने के लिए मैं दो बड़े चम्मच लूंगी और इनको हमें ऐसे मिलाना है। ये देखिए हल्के हाथ से इसको मिलाते रहिए उठा उठा के, ये सारा मिल जाएगा आपस में। हल्के हाथों से ऐसे मिलाते रहिए इसको धीरे धीरे। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है। सब्जियां भी हमारी सारी अच्छे से पक चुकी हैं और नूडल्स भी। सोया सॉस अगर हम ज़्यादा डाल दें तो उसका कलर थोड़ा सा काला हो जाता है, तो इसलिए सोया सॉस ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है, बस टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डालिए, इससे हल्का सा कलर चेंज हो थोड़ा सा। और ये हमारी नूडल्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट बन के तैयार है। तो आइए इनको सर्व करते हैं। गैस को हम ऑफ कर देते हैं अपनी और इसको सर्व करते हैं। तो आइए दोस्तों हमने अपना सर्व कर लिया है पनीर नूडल्स, और इसको नाश्ते में खाते हैं हम चिली सॉस और टमाटो सॉस के साथ। तो आइए टेस्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।